ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर दिल्ली में अभी चुनाव हो तो एक बार फिर आपकी सरकार बनती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 41, बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। केजरीवाल को पिछली बार के मुकाबले 26 सीटों का नुकसान हो रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिल्ली की लोकसभा सीटों पर भी सर्वे किया। सर्वे में 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता केंद्र सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। दिल्ली के सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल पहली पसंद है, वहीं प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी पहली पसंद है। आंखों की अनोखी अदा से कुछ ही दिनों में मशहूर हो चुकी मलयाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश शोहरत के साथ ही विवादों में घिर गई हैं। हैदराबाद में कुछ मुस्लिम युवकों ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है प्रिया प्रकाश के गाने में पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी का जिक्र है। वहीं एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रिया प्रकाश ने विवाद पर कुछ नहीं कहा। इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। पहला मुकाबला 7 अप्रैल को खेला जाएगा, जिसमें पिछले मुकाबले के चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना 2 साल के बैन के बाद वापसी करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। पहला मुकाबला रात 8 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वैलेंटाइंस डे पर शियाओमी ने अपने फैंस को बेहतरीन तोहफा दिया है। कंपनी ने भारत में 2 नए स्मार्टफोन्स रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 5 प्रो और MI TV लॉन्च किए हैं। रेडमी नोट 5 की शुरुआती कीमत 9,999 तो वहीं रेडमी नोट 5 प्रो की शुरुआती कीमत 13,999 रुपए है। वहीं MI TV की कीमत 39,999 रुपए है। ये तीनों प्रोडक्ट्स 22 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।